अल्लाम उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज मैंने सोचा मैं आपके सामने कुछ अच्छी सी वीडियो लाऊं आर्ट के अलावा। तो मैं कभी मेकअप की वीडियो तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं आज एक मेकअप की वीडियो को बना के दिखाऊँ कि मैं क्या करती हूँ मेकअप। मैं मेकअप ज़्यादा नहीं करती, लेकिन अगर मुझे मेकअप वगैरह करना होता है तो मैं अपने घर में सिर्फ 3 या 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपके पास मेरी वीडियो आती रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरे फेस पर देखने क्या लगा हुआ, तो यह है बीबी क्रीम। यह है 7 गर्ल की बीबी क्रीम, 7 गर्ल की बीबी क्रीम। बार बार से देखूँ कि मैं इसलिए बार बार देख रही थी कि मुझे लगा कि मैं शायद नाम इसका गलत ले रही हूँ। तो ये 7 गर्ल की बीबी क्रीम है जो मैंने अपने फेस पर लगाई हुई है। तो आगे चलते हैं हम इसको क्या करने के लिए, हम इसको अच्छा से टैप टैप करके, मतलब मैं अपनी उंगली से भी कर सकती हूँ ऐड देना। ये देखिए तो पहले मैं ना अपनी उंगलियों से टैप कर लूँगी अच्छा सा ताकि ये ख़राब ना हो। तो मुझे ना स्पंज से ज़्यादा और ब्रश वगैरह से ज़्यादा अच्छा, तो मैंने अपनी फिंगर से ना इसको मैंने ऐसे करके टैप टैप कर लिया पूरे में। और अब मैं इसको स्पंज से आपको टैप करके दिखाऊंगी ताकि ये मेरे फेस एकदम कोई ज़्यादा खौफनाक ना लगे। ये है स्पंज और मैं इसे आपको टैप करके दिखाऊंगी। पर मैं इतनी सही से होता नहीं है जो मैं इन चीज़ों को यूज़ ज़्यादा करती नहीं। मुझे पता है कि मुझे शौक नहीं है, ये देखें अब मैंने ना इसलिए भी फिंगर से पहले टैप कर लिया था और अब मैंने इसको इस स्पंज से भी टैप कर लिया है। देखें अगर फिर देखें अब आई थिंक मुझे सही लग रहा है, मैं बता देती हूँ अगर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लगाती हूँ। अच्छा तो हम अपना लिपस्टिक लगाएंगे, तो लिपस्टिक की बजाय मैं लिप ग्लॉस लगाना पसंद करूँगी। तो ये मैंने लिया है फ्रूट लिप बाम। तो पहले हम सबसे पहले लगा लेंगे, भर के नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है कि आप ब्राउन ही ना लगे। फिर मैंने ये और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मैंने मैट ग्लॉस लिया है। ये है बहुत मैरून, ये मैरून कलर है, यानी ये आई थिंक ये जामनी कलर। ये देखिए ये फालसाई कलर होता है, ये जामनी भी नहीं है, ये मैरून है। तो मैं ऐसे लगाऊँगी, थोड़ा सा ऊपर लगाऊँगी और थोड़ा सा नीचे लगाऊँगी। हमने क्या करना है, नहीं मैं अपनी फिंगर से पट्टी लगा, हमने इसको गड़ाए में रब कर लिया, ये रब कर लिया। अच्छा इसे बार रब करने के बाद ये मेरी फिंगर पे लगाई, तो मैं क्या करूँगी, हाफ यहाँ उस पर ले लूँगी। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही है, क्या करूँगी मैं ये और लूँगी। तो ये मेरा अंदर पर आ गया, तो मैं ये यहाँ लगाऊँगी, ठीक है। फिर मैं यहाँ से लूँगी, देखिए मैं कंजूसी नहीं कर रही, लेकिन मुझे शौक नहीं, और जिनको शौक इतना नहीं आता मतलब इतनी सारी चीज़ें यूज़ करने का, हाँ मेकअप का शौक है बहुत है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें यूज़ करने का नहीं है, है सब लेकिन यूज़ करने का शौक बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने लगा ली, तो मैं इसका थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी नोज़ पे, सीधा मैच मेरा ये मेकअप हो गया। अब मैं अपनी आईज के लिए, आंखों के लिए एक चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, वो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हुदा ब्यूटी की ब्लैक पेंसिल, यानी हम इसको लिप पेंसिल भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और आईज के लिए आई लाइनर के तौर पर भी और काजल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अपनी आँखों के बिल्कुल ऊपर लगाऊँगा, क्योंकि काजल अगर मैं लगाती हूँ तो मुझे काजल सूट नहीं कर पाता और ये मेरी आँखों का लगता है। अब आगे क्या करना है, आँखों के ऊपर लगाना, आई लाइनर के तौर पे नहीं, मतलब आँखों के यहाँ, ठीक है यहाँ, ओके। ये देखें कि मेरा मेकअप हो चुका है पूरा,
और मैंने आपसे जो कहा था कि मैं 3 या 4 चीज़ें ही यूज़ करूँगी तो वही मैंने किया। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ताकि मेरी वीडियोज़ आपके पास पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़।